तरह की सोच है थिंकिंग है कि सारे सारे लोग सेम है सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो सेम पीपल सेम अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ तो ठीक है सेवरल ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सिटीज वर ऑर्गेनाइज अलॉन्ग इलेटेरियन लाइन सेवरल ऑफ द वर्ल्ड्स ठीक है इन सम रीजन्स अरबन पॉपुलेशन गवर्न दमसेल्स फॉर सेंचुरीज विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ टेम्पल्स एंड पैलेसेस डेट वुड लेटर इमर्ज मतलब पहले ऐसे में इन सब में टेम्पल और पैलेसेस नहीं थे तो वो एग्लेटेरियन लाइन्स के थ्रू ही वहाँ पर तुम्हारी आ, क्या बोलते हैं काम लॉज ये सब चलते थे ठीक है बाद में इमर्ज हुए बहुत जगह बाद में इमर्ज हुए हैं पहले नहीं थे बाद में इमर्ज हुए हैं टेम्पल्स एंड पैलेसेस दैट वुड लेटर इमर्ज इन अदर टेम्पल्स एंड पैलेसेस नेवर इमर्ज एट ऑल और बाकी जो भी हैं जगह वहाँ पर टेम्पल्स और पैलेसेस आए ही नहीं कभी एंड देर आर ए सिंपल नो सिम्पली नो एविडेंस ऑफ अ क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर सॉर्ट ऑफ रूलिंग स्ट्रेटम मतलब कोई राजा महाराजा नहीं था कोई उनकी लीनेज नहीं थी और कोई वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था ठीक है यहाँ पे इट वुड सीम दैट द मेयर फैक्ट ऑफ अर्बन लाइफ डज नॉट नेसेसरली एम्प्लाई एन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेवर डेड ठीक है क्योंकि बहुत जगह नहीं आए वो सारी टेम्पल्स एंड पैलेसेस तो ऑब्वियसली हम ये इन्फर कर सकते हैं कि उनकी ज़रूरत ही नहीं थी अर्बन लाइफ में ठीक है

मेन आइडिया क्या है कि पहले बहुत सारे अर्बन सिटीज़ थे जहाँ पे एगेलीटेरियन लाइंस यूज़ होते थे एगेलीटेरियन लाइंस यूज़ होते थे और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था नो टेंपल्स नो पैलेसेस कहीं कहीं आ गए और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं आए और ये बता इससे ये इन्फ्लेंस हुआ कि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के भी अच्छे से अर्बन लाइफ जिया जा रहा था ठीक है लैक ऑफ हायरकल एडमिनिस्ट्रेशन इन एशियन सिटीज कैन बी religion बाई द structures ऑफ रिलीजन एंड रीगल स्ट्रक्चर सही लग रहा है लैक in एडमिनिस्ट्रेशन सिटीज यहाँ पर ancient सिटीज दिया हुआ है ये एक्सट्रीम हो गया क्योंकि सारों में नहीं है ना बस कुछ में several, several मतलब गिने चुने बहुत सारे लेकिन गिने चुने सारे यहाँ पर एक्सट्रीम कर दिया मतलब ये बोल रहा है कि सारे एंशन uh, सिटीज़ में ऐसा है नहीं भाई ऐसा नहीं है ठीक है कॉन्टेरी टू आवर एजम्पन दैट अर्बन सेटलमेंट्स हैव ऑलवेज इन्वॉल्व हायर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एशियन सिटीज़ वर नॉट ऑर्गेनाइज फिर यार। फिर फिर वही गलती फिर वही गलती सेवरल एशियन सिटीज़ लिख सकते थे लेकिन एशियन सिटीज़ क्यों लिख दिया सबको ले लिया साथ में भाई सब सब ऐसे नहीं हैं ठीक है एक मिनट रेस्ट देखते द इमरजेंस ऑफ अ क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड रूलिंग ट्रांसफॉर्म द दिटेरियन अर्बन लाइफ ऑफ एशियन सिटीज टू द दायर सिविक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूडे भाई यहाँ पे बोल रहे कि पहले उसकी ज़रूरत ही नहीं थी तो वो आए क्यों बात ये चल रही है तो ये तो उल्टी बात कर रहा है उल्टी गंगा बह रहा है ठीक है गलत है लास्ट बचा ही है <laughs> चलो पढ़ लेते वी नाउ हैव एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द सपोर्ट ऑफ द एग्जिटेंस ऑफ एलिटेरियन अर्बन लाइफ और ये क्या था ये वाला क्या था इसका उल्टा था ठीक है ऑन द कॉन्ट्रेरी था एग्जिटेंस ऑफ एन एलिटेरियन अर्बन लाइफ इन समय सिटीजिकल एंड सिविक ऑर्गे बहुत सही ठीक है समझ गया ये वाला चलो नेक्स्ट पे चलते हैं

ठीक है हो गया एक मिनट माइक चेक कर रहा हूँ ना चलिए देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है फॉर नियरली अ सेंचुरी मोस्ट साइकोलॉजिस्ट हैव वन हैिजेंस पहले से आ रहे वन व्यू ऑफ इंटेलिजेंस है साइकोलॉजिस्ट का वो क्या है इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विथ मोर और लेस इंटेलिजेंस पोटेंशियल आई क्यू दिस पोटेंशियल इज़ हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरीडट्री हेरीडटरी एंड डिफिकल्टर मतलब जेनेटिक है वो और वो उसे अल्टर नहीं कर सकते मतलब जीन अल्टर करोगे तब होगा कुछ ठीक है तो डिफिकल्ट है वो अल्टर करने के लिए एक्सपर्ट्स इन मेजरमेंट कैन डिटामाइन अ पर्सन इंटेलिजेंस अर्ली इन लाइफ करेंटली फ्राम पेपर एंड पेंसिल मेजर्स पर हैवस इवेंचुअली फ्राम एग्जामिन द्रेन इन एक्शन फॉर इवेंट स्क्रूटनाइजिंग हिज हर चिनूम वही बात क्या है एक्सपर्ट इन मेजरमेंट कैन अ असन इंटेलिजेंस अर्ली इन लाइफ पहले ही देख सकते हैं कैसे जीन्स को स्टडी करके यानी तो टेस्ट दे के ठीक है टेस्ट से हो सकता है यानी तो जीन्स को स्टडी करके भी हो सकता है रिसेंटली क्रिटिसिजम ऑफ दिस कन्वेंशनल विजडम हैज माउंटेड अभी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसको ये पहले से जो चलते आ रही है उस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्या क्रिटिसिज्म है बायोलॉजिस्ट आस्क इफ स्पीकिंग ऑफ अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड इंटेलिजेंस इस कोरिट इस कोहेरिट एंड क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ मेजर्स यूज टू एस्टिमेट हेरिटेबिलिटी ऑफ अ ट्रेट इन ह्यूमंस वन लाइक प्लांट्स और एनिमल्स आर नॉट कंसीव एंड ब्रेड अंडर कंट्रोल कंडीशंस मतलब यहाँ पर बायोलॉजिस्ट ये बोल रहे हैं कि सिंस हम ह्यूमन्स कंट्रोल कंडीशंस में नहीं हैं तो हेरिडेटरी जो ट्रेट है ह्यूमन का उसको आप कैसे मेजर कर रहे हो वो बताओ मतलब हेरीडेटरी आप जो इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हो उसकी क्या मतलब वो है सिग्निफिकेंस क्या है उसके कैसे मेजर्स हैं उसे हम वैलिडेट करना चाहते हैं उस पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि देखो अगर कंट्रोल्ड इन्वॉमेंट में तो प्लांट अगर हम अच्छे से पानी देंगे ये सब करेंगे तो वो सीधा बढ़ेगा लेकिन नॉर्मली अगर जंगल में डाल देंगे तो वो उसका कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या कुछ ब्रांचेस पतले रह सकते हैं कुछ मोटे रह सकते हैं तो वैसे ही हम अनकंट्रोल्ड हैं हम कभी कुछ देखते हैं कभी कुछ देखते हैं हम हर चीज़ से सीखते हैं तो हमारी जो वो हो सकती है क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस हो सकती है वो हेरिडेटरी ना होकर वो अपने आप खुद से डेवलप्ड भी हो सकती है ठीक है वो वैसा बोल रहे हैं बायोलॉजिस्ट मेन आइडिया क्या है यहाँ पर कन्वेंशली जो सोचा जा रहा था उस पर बायोलॉजिस्ट अब क्वेश्चन उठा रहे हैं ठीक है समझ गए मेन आइडिया चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो यही करो मतलब क्या लिखा हुआ है बायोलॉजिस्ट हैव क्वेश्चन द लॉन्ग स्टैंडिंग व्यू दैट इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी एंड द टू एस्टिमेट इट्स हेरीडेट्री ठीक है लॉन्ग स्टैंडिंग व्यू मतलब कन्वेंशली जो सोचा जा रहा था एटी परसेंट सही लग रहा है मेरे को ठीक है एटी परसेंट इसलिए क्योंकि मुझे सही लग रहा है यही आंसर लग रहा है तो मैं एटी परसेंट कर देता हूँ कि इससे अच्छा भी कोई होगा तो उससे हंड्रेड परसेंट कर दूंगा ठीक है बायोलॉजिस्ट हैव क्रिटिसाइज द कन्वेंशनल विस्टम दैट इंडिविजुअल्स आर बॉन्ड विथ मोर और लेस इंटेलिजेंस पोटेंशियल ठीक है ठीक है सही है लेकिन इसमें हेरिडेटरी कहाँ है मतलब हमें पूरा सम्बरी चाहिए ना तो ऑप्शन ये तो चलो दोनों चीज़ें सम्बराइज़ कर रहा है लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ सम्बराइज कर रहा है तो इसे इन्फेरेंस कह सकते हैं ठीक है बायोलॉजिस्ट लेकिन ये होगा नहीं बायोलॉजिस्ट हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग साइकोलॉजिस्ट व्यू ऑफ इंटेलिजेंस एज अ मेजरेबल इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अरे सेम ही है यार सेम ही है बायोलॉजिस्ट है व्यू दैट इंटेलिजेंस इज अंगल एंटिटी एंड द वे इन विच वॉज इट इनहेरिटेड फिर यहाँ पर सिर्फ इनहेरिटेशन ही है दोनों चीज़ें फर्स्ट ऑप्शन में वही सही है ठीक है ठीक है दोनों चीज़ें क्या क्या आपका हेरीडेटरी भी और आपका इंटेलिजेंस क्या है वो डिफ़िकल्ट टू अल्टर है उसको भी देख लिया सिंगल है सोचा जा रहा था कि एक ही जैसा है लेकिन नहीं कंट्रोल्ड इन्वायमेंट में ही एक जैसा हो सकता है अगर हम लोग के जैसे इन्वामेंट में नहीं हो सकता है, हम वापस से सीख भी सकते हैं तो क्या लिखा है बायोलॉजिस्ट हैव क्वेश्चन द लॉन्ग स्टैंडिंग व्यू ऑफ इंटेलिजेंस इज़ अ सिंगल एंटिटी नहीं है वो सिंगल एंटिटी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है हेरिडेटरी पे डिपेंड नहीं करता है वो ऐसा बोल रहे हैं ठीक है चलो बहुत सही ये क्वेश्चन अब थोड़े लास्ट वाले करते हैं ये वाला बहुत लोगों ने कर रखा होगा ये एक मिनट चलिए ये वाला करिए थ्री मिनट्स हो गया ये भी हो गया ठीक है क्या लिखा है वो देख लेते हैं एज सोवियत पावर डिक्लाइन है एज़ आई आई टी कानपुर का रिजल्ट आ गया बहुत सारे जगहों का रिजल्ट आ गया ठीक है मेहनत करेंगे तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे चलिए एज सोवियत पावर डिक्लाइन द वर्ल्ड बिकेम टू समस्टेंट मल्टीपोलर एंड द यूरोप स्ट्रोव टू डिफाइन एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वाट a जर्नी यूरोप हैज़ undertaken टू रीच दिस पॉइंट इट हैड इन एवरी सेंचुरी changed its internal structure and invented new ways of thinking about the nature of international order. now at the culmination of an era, europe, is, uh, europe in order to participate in it felt obliged to set aside the political mechanism through which it had conducted its affair for three and a half centuries. impelled also by the desire of cushion the emergent unification of germany, the new यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश अ कॉमन करेंसी इन टू थाउजेंड टू एंड अ फॉर्मल पोलिटिकल स्ट्रक्चर इन टू थाउजेंड फोर इट प्रोक्लेम्ड अ यूरोप यूनाइटेड होल एंड फ्री एडजस्टिंग इट्स डिफरेंसेस बाई पीसफुल मेकेनिजम्स मतलब यार ये पूरा बता रहा है कि यूरोप कैसे आगे बढ़ा सोवियत पावर डिक्लाइन हुआ तो यूरोप तब आगे बढ़ा ठीक है और उसकी जर्नी बहुत सही थी फिर उन उसने क्या किया उसने थ्री एंड हाफ सेंचुरीज पुराने पॉलिटिकल uh, एजेंडाज़ को साइड करके uh, मतलब पॉलिटिकल मैकेनिज्म को साइड करके uh, मतलब साइड कर दिया और फिर नॉर्मली नए नए तरीक़ों से अब रूल करना स्टार्ट किया क्या लिखा था बहुत बार उसने uh, अपनी वे ऑफ थिंकिंग चेंज की है इंटरनेशनल uh, मतलब ऑर्डर के लिए मतलब इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए ठीक है अब क्या है इम्पेल्ड ऑल्सो बाई द डिजायर ऑफ क्वेश्चन द इमरजेंट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी द न्यू यूरोपियन यूनियन मतलब जर्मनी भी अब आ रहा है ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इमरजेंट यूनिफिकेशन ठीक है पहले जर्मनी उतना कुछ खास नहीं था अभी तो आ रहा है द यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश a करेंसी इन टू थाउजेंड टू ये क्या बता रही है नाजी के टाइम का बता रहा है गेस कि पहले ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी थी ठीक है अभी का नहीं बता रहा है पुरानी बात बता रहा है ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी आपको पता होगा तो जब वो दोनों साथ में आ रहे थे यूरोपियन यूनियन में तो फिर उन्होंने क्या किया पूरे यूरोपियन यूनियन में उन्होंने एक पर्टिकुलर करेंसी लागू कर दी 2002 में एंड फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन मतलब ईयू बना लिया उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया उन्होंने उन्होंने करेंसी लागू कर दी पूरे यूरोपियन में और एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लागू कर दिया पूरे यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में या कॉन्टिनेंट में ठीक है इट प्रोक्लेम्ड अ यूरोप यूनाइटेड होल एंड फ्री एडजस्टिंग इज डिफरेंसेज बाई पीसफुल मैकेानिज़म्स अब वो क्या हो गया कि जब पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट एक एक जैसा मतलब एक छत्र छाया में आ गया तो अब उनके बीच में जो डिफरेंसेज है वो पीसफुल मैकेनिज्म से वो लोग करने लगे ठीक है पहले की तरह नहीं था कि सारे कंट्रीज अलग सारे अलग हैं सबके वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं अभी क्या है कि अभी सारे करेंसीज मान्य हैं सारे यूरोप में पाउंड्स हो गया या जो भी हो गया ठीक है यूरोज हो गया सॉरी पाउंड्स तो इधर होते हैं यूरोस है वो पूरे यूरोप में मान्य हैं ठीक है थीके? और फिर आपके पास ईयू है क्या है ईयू EU है यूरोपियन यूनियन है पूरा वहाँ पर सारे आपके जो डिफरेंसेस हैं पूरे कंट्रीज के वो सारे पीसफुल मैकेनिज्म से होने लग गए थे मैनेज ठीक है तो ये क्या है इमरजेंस ऑफ यू है सोवियत के पावर डिक्लाइन होने के बाद यूरोपियन यूनियंस अपने आप में अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या, क्या किया उन्होंने यू बना लिया करेंसी सेम कर ली उन्होंने वो सारे पॉलिटिकल मकानिजम्स हटा लिए तीन साढ़े तीन साल साढ़े तीन सेंचुरीज पुराने पॉलिटिकल मेकानिज़म हटाए और उन्होंने यू इस्टेब्लिश किया ठीक है उन्होंने सेम करेंसी करेंसी्टैब्लिश की और वो अब वो आपस में पीसफुल मेकानिज़म से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ठीक है चलो क्वेश्चन देखते हैं यूरोप हैज़ कंसिस्टेंटली चेंज इन कीपिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड दैट हैजुलेटेड इन यूनाइटेड यूरोप सही है लेकिन ये पूरा समराइज़ कहाँ कर रहा है इतने सारे पॉइंट्स हैं हमने चार क्वेश्चन कर लिए चलो ये फिफ्थ है ठीक है तो ये काइंड ऑफ फिफ्टी परसेंट सही है सही लग रहा है इनफर किया जा सकता है दस्ट Consistently. लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं कह सकते हैं कंसिस्टेंटली नहीं कह सकते कैसे नहीं कह सकते इट हैज़ इन एवरी सेंचुरी चेंज्ड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एवरी सेंचुरी तो कंसिस्टेंसी मतलब वो क्या ही हो सकता है वो वाइज हो सकता है क्या वो इधर कंफर्म नहीं किया है तो ठीक है इसको फिफ्टी परसेंट सही करके आगे बढ़ते हैं. द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉर्मल पोलिटिकल स्ट्रक्चर इन यूरोप वॉज हैजन बाई द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द इमरजेंस ऑफ मल्टी पोलर वर्ल्ड नहीं भाई पोलिटिकल स्ट्रक्चर तो पहले से है पूरे यूरोप का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूरोप में तो पहले से है ठीक है यूरोप हैज़ कंसिस्टेंटली चेंज इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर टू सक्सेसफुली अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ये फिर फर्स्ट वाला ही है यार फिफ्टी परसेंट कर लो यार यहाँ पे जनरलाइज है बहुत ज़्यादा जनरल है ठीक है ये सारे मुद्दे यहाँ पे नहीं उठा रहा है कि करेंसी भी हो गई ये भी होगी वो भी होगी यूरोप हैज़ चूजन टू लोअर पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक हेट्रोजेनिटी इन ऑर्डर टू टू एन इमरजेंसी बहुत से ठीक है पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों मुद्दे उठाए इसने और अडाप्टेशन भी उठा ली ठीक है इस वजह से डी हो गया समझ गए ठीक है और ट्वेंटी फोर होता है ना चलो लास्ट वाला क्वेश्चन एक कर लो यहाँ वाला फिर बाकी हम टेलीग्राम पे कर लेंगे ये वाला कर लो थ्री मिनट्स विल बी इनफ ये वाला हमने पहले कर रखा है लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ठीक है It's not the modern historians of medieval Africa have been ignorant about contacts between Utopia and Europe. They just had the power dynamics reversed. The traditional narrative stressed utopian as a weak and in trouble in face of aggression from external forces. So Utopia sought military assistance from their fellow Christians to the north. But the real story, buried in plain sight in medieval diplomatic tales, Texts simply had not yet been put together by modern scholars. Recent research pushes scholars of medieval Europe to imagine a much more richly connected medieval world. At the beginning of the so called age of exploration, there is evidence that the king of Utopia were sponsoring their own missions of diplomacy, faith, and commerce. यूथोपिया कहाँ पे अफ्रीका में ठीक है और यहाँ पे क्या बोल रहा है यूथोपिया और यूरोप के बीच में कॉन्टैक्ट्स थे कैसे कैसे थे आ... पहले जो हम सोचते थे वो क्या था कि यूथोपिया और इग्नोरेंट अबाउट कॉन्टैक्ट्स बट दे जस्ट हैड पावर डायनेमिक्स रिवर्सड मतलब पहले जो सोच रहे थे कि पावर यूरोप के पास ज़्यादा था अब वो रिवर्स हो गया है सोचने का तरीका रिवर्स हो गया है यूथोपिया Uh, के पास भी पावर था ऐसा वो बोल रहे द ट्रेडिशनल रेटिव स्ट्रेस यूथोपिया इज़ वीक एंड इन ट्रबल इन द फेस ऑफ एग्रेशन फ्राम एक्सटर्नल फोर्सेज मतलब यू, यूथोपिया को वीक समझते थे पहले सो यूथोपिया सॉट मिलिट्री असिस्टेंस फ्राम देर फेलो क्रिश्चियंस टू द नॉर्थ मतलब यूरोप यूरोप से वो एड uh, चाह रहे थे बट रियल स्टोरी बर इड इन प्लेन साइड इन मेडिवल डिप्लोमेटिक टैक्स सिम्पली हैड नॉट इट बिन पुट टुगेदर बाई मॉडर्न स्कॉलर्स मतलब मॉडर्न स्कॉलर्स ने वो जो टैक्स थे डिप्लोमेटिक टैक्स थे वो सामने रखा ही नहीं ठीक है फिर रिसेंट रिसर्च में ये पाया गया कि यूथोपिया अपने से स्पॉन्सर करता था उसका डिप्लोमेटिक मिशन फेथ और कॉमर्स तो भाई वो गरीब कैसे हो सकता है ठीक है तो मेन आइडिया इसका ये है कि पहले जो सोचते थे हम कि यूथोपिया बहुत गरीब है वो गरीब नहीं है वो अपनी चीज़ें खुद करने लायक था कैसे क्या क्या करने लायक था डिप्लोमेसी फेथ और कॉमर्स ये खुद स्पॉन्सर करने लायक था ठीक है मेडिवल टेक्स्ट हैव डॉक्यूमेंटेड हाउ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द क्रिश्चन कम्युनिटीज ऑफ यूथोपिया एंड यूरोप वर इन इन एस्टेब्लिशिंग मिलिट्री एंड ट्रेड लिंक्स बिटवीन द टू सिविलाइजेशन ये शो किया मेडिवल टेक्स्ट ने मिडिबल टेक्स तो बोल रहा है कि स्ट्रोंग कनेक्शन था चलो क्रिश्चियन और कम्युनिटीज के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ये तो हम बात ही नहीं किए इस पूरे पैसेज में हम बात किए हैं कि वो खुद अपने से स्पॉन्सर कर सकता था यूथोपिया ठीक है हिस्टोरियंस वर अंडर द एल्यूजन दैट यूथोपिया नीडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन फ्रॉम नेबर्स बट इन फैक्ट द कंट्री दैट क्लोज कमर्शियल एंड रिलीजियस कनेक्शन विद द नेबर्स क्या है भाई यूथोपिया और यूरोप की बात हो रही है नेबर्स कहाँ से आ गए वहाँ नेबर्स तो फिर मोरक्को ये सब आ गए ना इजिप्ट मोरक्को लिबिया ठीक है तो ये भी रूल आउट हो गया मिडिबल टेक्स्ट अ व्यू ऑफ यूथोपिया इन फ्रंट ऑफ यूरोप मिलिटरी नेबर्स बट नेबर्स मतलब आस पास के अब सही है बट आसपास के एग्रेसिव नेबर्स और वो उसके लिए हेल्प चाहिए था मिलिट्री हेल्प चाहिए था ठीक है ये सही है बट रिसेंट स्टडीज़ रिवील इट इज वेल कनेक्टेड एंड आउटवर्ड गोइंग कल्चर बहुत सही एटी परसेंट सही है ये मैं मान लूँगा ठीक है सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक हैं ब्रीफ में हैं पूरे पैसेज की ठीक है बेडेबल हिस्टोरिकल सोर्सेज सेलेक्टिवली प्रमोटेड द नेरेटिव दैट पावरफुल यूरोपियन फोर्सेज वर कॉल्ड ऑन द प्रोटेक्ट वीक एफ्रीकन सिविलाइजेशन सजेजिया बट दिस इज नॉट फार दिस इज़ फार फ्राम रियालिटी फिलटिवली प्रमोटेड द नरेटिव दैट पावरफुल यूरोपियन फोर्सेज वॉल कॉल्ड ऑन टू प्रोटेक्ट वीक एफ्रीकन सिविलाइजेशन सच एज यूथोपिया सच एज यूथोपिया क्या होता है भाई ये सही लग रहा था लेकिन सच ऐस कहाँ से आ गया देखो ये ध्यान देना ये भी एक्सट्रीम है यह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और ये भी एक्सट्रीम है सर आप सच पकड़ के क्यों बैठ गए अरे भैया पूरा पढ़ो वीग अफ्रीकन सिविलाइजेशन सच एस यूथोपिया भाई यहाँ पर यूथोपिया और यूरोप की ही बात हुई है तो बाकी यूरोपियन से बाकी अफ्रीकन सिविलाइजेशन से मुझे क्या लेना देना और वो सच एस यूथोपिया बोल रहा है यूथोपिया के लिए नहीं बोल रहा वो ऐसा बोल रहा है एग्ज़ाम्पल यूथ्रोपिया तो ये तो गड़बड़ है तो हमारा आंसर सी है ठीक है बहुत सही चलो आज की क्लास यही एंड करते हैं अच्छा लगा हैव अ गुड डे गाइस